स्वदेश वाणी। झारखंड राज्य को अलग हुए 21 साल हो चुका है, लेकिन आज भी अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले अपनी मान सम्मान के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी पिछले 3 दिनों से बापू वाटिका के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज आंदोलनकारी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए मोराबादी से पैदल मार्च करते मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। हालांकि इन्हें मोराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास के सामने ही रोक दिया गया। झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार कहने वाले, झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की, जो लोग कहते हैं कि हम सरकार है, शिबू सोरेन के हम पुत्र हैं, आज उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी झारखंड आंदोलनकारियों को अपने मान सम्मान के लिए धरना पर बैठना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये वास्तव में अफसोस की बात है। लेकिन ये हेमंत सोरेन और उनके जो सिपा सलाहकार सड़क से सदन तक आवाज पहुंचाने का काम कर रही है, दूर भाग है इस राज के लिए, क्योंकि माटी के पार्टी कहे जाने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलनकारी की अगुवा नेता आदरणीय शिबू सोरेन जी के सुपुत्र इस राज्य में सीएम है और उनके सीएम काल में अगर इस तरह की मांग मानी जा रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। चूंकि आज जो तुम आप लोग बोले हैं दिसंबर शिबू सोरेन की दीपो का वही परिभाषा जो झारखंडी जनता को दिख दिखाएगा वही दीपो है। आज यदि दिख दिखा रहा है पूरा झारखंड क्षेत्र में, आज आंदोलनकारी को दिख दिखा रहा है, बाप बेटा दिख दिखा रहा है, आज बाप बेटा लोग दिख दिखा रहा है। चुनाव का समय में लोगों को बेवकूफ बनाया, बोला आदिवासी मूलवासी जन जंगल जमीन का बात किया, 1932 का खतियान का बात किया, क्या किया, कुछ किया, कुछ नहीं। 29 दिसंबर को आप सुन रहे हैं कि सालगिरह मनाएगा, उत्सव दिवस मनाएगा, मनाएगा। आज तक झारखंडी जनता के लिए एक भी उपलब्धि बता दीजिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आज जानता सिर्फ अपना परिवार के लिए हम इस मन से पूछना चाहते हैं किशन गुरु सिंह सोरेन से और उनका बेटा हेमंत सोरेन से, आप अपना बेटा पुत्रों को लिए किया कहने की, अपना भाई लोगों के लिए रामू सोरेन, शंकर सोरेन और लालू सोरेन, इन लोगों को लिए क्या किया, न संसद बनाए न विधायक बनाए। हमने लालू सोरेन को लड़की की सी जानते थे, आज रामू सोरेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।